तो सो गाइस, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहा था, जिस बाइक में कीक नहीं है उस बाइक का कंप्रेसर हम लोग कैसे चेक करें। यह बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताऊँगा जो जिस बाइक में कीक नहीं है वो किस तरह से हम लोग कंप्रेसर चेक करें। बहुत ही ज़रूरी होता है ये, क्योंकि एवेंजर बाइक, 220 cc बाइक और अभी जितना भी कुछ बाइक है जो बाइक में कीक नहीं है, BS6 वाला बाइक में। तो अब जैसे कि बाइक आया, स्टार्ट नहीं ले रहा है, हम लोग करंट तो चेक कर लेंगे सेल दबा के। अगर कंप्रेसर जैसे कि कैसे चेक करें, ठीक है, जैसे कि किस तरह से चेक करें, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। आप लोग एकदम 100% देखते हैं। वो जो मैशिंग मैंने एक पिछला वीडियो में दिखाए थे जो कंप्रेसर कैसे चेक करें, तो वही मैशिंग से हम लोग चेकअप करेंगे और आप लोगों को बताएंगे जो किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो हम आपको बता देते, उस मैशिंग में पॉइंट होता है जैसे कि 40 से ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने पूरे रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को बताया TBS कंपनी का ये बाइक को मैं चेकअप करूँगा और 40 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका उतना ही माप है। अगर कम आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कम आने का रीज़न क्या है और ज़्यादा आने का रीज़न क्या है और हम लोगों का मिनिमम आने का रीज़न क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स गो, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यह है TBS कंपनी का BS6 Apache RTR बाइक है। इसमें बाइक में कीक नहीं है। अब जैसे कि बाइक अगर शॉप पे आए और बाइक स्टार्ट ना ले तो हम लोग कंप्रेसर कैसे चेक करें, देखो कीक नहीं है। तो इसके लिए हम वीडियो बना रहा हूँ, बार बार कमेंट में यही आ रहा था बगैर कीक वाला बाइक को हम लोग कंप्रेसर किस तरह से मापे। तो मैकेनिक दोस्तों, पिछला वीडियो में मैं बताया था कंप्रेसर मापने का तरीका और बनाने का तरीका बताया था, अब इसमें आपको बताऊँगा मापने का तरीका। तो ये मीटर जो है ज़्यादा दाम नहीं है, ये जो स्पार्क प्लग है इसको हम खोलेंगे और कीक मारेंगे बाइक का, कंप्रेसर हमारा जितना भी बाइक का है वो बता देगा, अब कम है या ज़्यादा है वो बता देगा कीक मारने से। तो क्योंकि मैंने वो खुद बनाया है वो मीटर, और वो मीटर आप भी बना सकते हैं, मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था। वो ज़्यादा कीमत भी नहीं पड़ता है, जैसे कि 400-500 रुपये आप में आपका मीटर हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल अपना मीटर हो जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते, ये हमारे पास मीटर है, ठीक है, हवा चेक करने का मीटर, इसी से हम बाइक का कंप्रेसर चेक करेंगे। कीक तो इसमें है नहीं, सेल दबा के दिखाएंगे और इसमें हम लोगों को पॉइंट आएगा इसमें कंप्रेसर कितना है, क्योंकि ये न्यू बाइक है, इसमें कंप्रेसर एकदम 100% सही है। और इसको हम चेकअप करेंगे किस इसका कितना कंप्रेसर आ रहा है, और जैसे कि एकदम हमको बताएगा ये 60 आ रहा है ना 40 आ रहा है ना 20 आ रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से कंपनी का एक माप होता है 40-40 ही इसका मैक्सिमम, जैसे कि ज़्यादा कंप्रेसर आएगा तो ही हम लोगों को पता चलेगा जो इसका 40 आ रहा है इसका कंप्रेसर सही है। अब आपको प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊँगा, क्योंकि इस बाइक में लगाने के बाद एकदम 100% हम लोग पता चल जाते हैं हम लोगों को जो इसका साथ इसका कनेक्ट हो जाएगा और बाइक में कंप्रेसर जितना भी है एक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाइक में कंप्रेसर घटने का कारण है कीस्टोन रिंग होता है और एग्जॉस्ट वाल्व और इंटेक वाल्व होता है। तो चलो मैं ये मैशिंग अब बाइक में लगाऊंगा। तो चलो सबसे पहले इसे हम कैप को खोल लेते हैं, ठीक है, कैप को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम आपको स्पार्क प्लग खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही मुझे नॉजल लगाना है कंप्रेसर चेक करने का नॉजल, ठीक है। तो चलो इसे हम खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो स्पार्क प्लग है ये लॉन्ग थ्रेड है, लेकिन मेरा नॉजल हीरो होंडा हर कोई बाइक में हो जाएगा, स्पार्क प्लग लॉन्ग थ्रेड है। अब ये मेरा जो नॉजल है ये हीरो होंडा बाइक का है, फिर भी इसमें लग जाएगा। तो चलो स्पार्क प्लग। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो बाइक का नॉजल होता है हवा देने का, ये बाजार मार्केट में मिलता है, इसको कट के हमने फिश करके इसका बाल पिन वगैरह सेटिंग करके मैंने लगा दिया है। अब जैसे कि बाइक में हम इसे असेंबली करेंगे, लगाएंगे और इस नॉजल को टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद
ये थोड़ा रेंच लेके इसको टाइट कर देंगे। ढीला रखने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्रेसर कम शो करेगा, तो इसे अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे और ये टाइट हो गया। अब मेरा जो पाइप है इसके साथ इसको कनेक्शन करेंगे। अब ये कनेक्शन हो गया है। अब ये जो नाट जो है, स्क्रूप है, इसको फुल टाइट कर देंगे क्योंकि लीक ना करे। अगर लीक करेगा तो कंप्रेसर हम लोगों का कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो चलो मैंने फाइनल ही कंप्रेसर जैसे कि चेक करेंगे। तो चलो इसको कहीं रख देते हैं क्योंकि अकेला मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास शोरूम आया हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन ऑन किया, ठीक है, और इस स्विच को भी ऑन कर दिया है सेल्फ मारने के लिए। अब यहाँ हमारा कंप्रेसर देखो आप लोग, हम सेल्फ मारते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, आप लोग देख पा रहा है इसमें 40 कंप्रेसर आ रहा है, 40 कंप्रेसर आ रहा है बाइक में। तो कंप्रेसर हम लोग आसानी से हम लोगों को पता चल गया। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, आप लोगों ने देखा कंप्रेसर मैंने चेकअप किया। अब चेकअप किया, हमको महसूस हुआ जो कंप्रेसर हम लोगों का बाइक का ठीक है। अब सवाल है दूसरी तरफ हम काम कर सकते हैं, मुझे महसूस हो गया। अब जैसे कि कंप्रेसर अगर ख़राब रहता, कम रहता, जैसे कि 20 के आसपास में, तो हम लोग कंप्रेसर के लिए काम करना है। अब कंप्रेसर के लिए क्या क्या काम करें, कंप्रेसर के लिए क्या क्या काम है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है कंप्रेसर लाने का, पिस्टन रिंग होता है। पिस्टन रिंग अगर डाउन हो जाए तो बाइक में कंप्रेसर कम हो जाता है। खास करके न्यू बाइक में कंप्रेसर रिंग का कारण नहीं होता है, जैसे कि पुराने बाइक में होता है। अब जैसे कि 10,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये रीज़न हो रहा है जो कंप्रेसर कम चुकी है, तो ये पिस्टन रिंग तो कभी ख़राब नहीं हो सकता है। अब हम दूसरे से काम करेंगे, दूसरे हिसाब से। जैसे बाइक में एक गाइड होता है, गाइड अगर कट जाए तो वाल्व कट जाता है, और ऑटोमेटिक वाल्व कटे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रॉकर टाइट हो जाता है। सबसे बड़ी मेन पॉइंट है ये, वाल्व कटने से रॉकर टाइट होता है। काफ़ी सारे मैकेनिक सोचते हैं वाल्व कटने से क्या होगा, रॉकर ढीला होगा, बिल्कुल ये सच बात नहीं है। अगर वाल्व कट जाएगा तो रॉकर आपका टाइट हो जाएगा, रॉकर टाइट हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर लो हो जाएगा, उसमें बाइक में दिक्कत आएगा। जैसे कि RPM प्रॉब्लम हो, जैसे कि पिकअप हो, इंजन ओवरहीट हो, स्टार्ट गिरना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है कंप्रेसर लो होने का कारण। तो आप लोगों को सबसे पहले रॉकर एडजस्ट करना है, करने के बाद आपको पहले देखना है कंप्रेसर आ रहा है कि नहीं। अगर कंप्रेसर रॉकर मिलाने से हो जाता है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तो हेड खोल के आप लोगों को पॉलिश करना है, वाल्व अगर अच्छा रहे तो। अगर जैसे कि कार्बन बैठ जाता है, कुछ भी बैठ जाता है, उसका कारण कंप्रेसर लो हो जाता है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल सही है, अगर वाल्व बैंड भी हो जाए तो कंप्रेसर कम आता है। तो वाल्व अगर बैंड हो जाए तो न्यू डाल दीजिए, अगर वाल्व ठीक रही तो ग्राइंडिंग पॉलिश करके उसे आप लोग सेटिंग कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो मैकेनिक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।